हो, इसके पीछे किसी ऐसे आदमी का हाथ जरूर है जिसके बारे में अब तक सोचा भी ना हो। लेकिन सारे सबूत तो विमल की तरफ इशारा कर रहे हैं। असली जासूस तो वो होता है जो ये समझे कि जो दिख रहा है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये राज क्यों एहसान पे एहसान किए जा रहा है करण और आभा पर? शीतल, इस कहानी की और कड़ियां तो है, कौन है वो? क्या है ये? क्या उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो तुम? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। उसका चेहरा गोल था, मोटा था वो, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, उसके बाल नहीं थे, थोड़ी सी दाढ़ी थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही चेहरा था इंस्पेक्टर सर जी। ऐसा चेहरा था सर, इसको तो मैं जानता हूँ सर। अच्छा? सर आज से 10-12 दिन पहले सर इसको तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में अरेस्ट किया गया था सर। अच्छा, वेरी गुड। एक काम करो, ये स्केच ले जाकर मिस लता को दिखाओ, अगर वो इसे कंफर्म कर देती हैं तो उठा लो इसे, जा कहीं भी हो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, लता जी की हालत बहुत क्रिटिकल है, इन लोगों की तस्वीर देखकर वो शायद ज्यादा घबरा जाए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर सिंघानिया ठीक कह रहे हैं, चेहरा देखकर तो लता दीदी और भी घबरा जाएंगी। लेकिन साहब, पर्सनल रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है मिस्टर राज, हम पहले इन गुंडों का बयान ले लेते हैं। अच्छा, मैं भी चलता हूं आपके साथ। जी आइए। आपने बिल्कुल सही कहा लता दीदी, अगर ये स्केच देती तो और भी नर्वस हो जाती। शुक्रिया। बार बार शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भाभी चलिए। थैंक यू। आखिर ये चक्कर क्या है इस राज सिंघानिया का? पुलिस को तस्वीरें दिखाने से रोक दिया, ये करण और आभा भी ज्यादा ही भरोसा नहीं करे इस राज की हर बात पर, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजब नहीं हो रही। आभा, हो गया कि नहीं? जल्दी करो, प्रकाश अभी लता को लाता ही होगा। हाँ माँ, बस हो ही गया। दीदी को घर आकर बहुत अच्छा लगेगा, हम दीदी को इतना प्यार देंगे, इतनी खुशियां देंगे कि वो सारी कड़वाहट भूल जाएंगे। मामी जी, जरा लाल रंग देंगे। लाल रंग क्यों? थैंक यू। अब तो ये लाल रंग लता के स्वागत में बनी रंगोली में ही हो सकता है ना? उसके जीवन से तो मानो खुशी और सुहाग का रंग हमेशा हमेशा के लिए। भाभी, दीदी आइए, देखिए हमने रंगोली बनाई। अरे वाह, याद है हम दोनों मिलकर बनाते थे। आइए।
पिक्चर आउट। लता कैसी? शीतल तू अंदर जा। जैसे मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए, डील वही रहेगी। ले आओ ले आओ। मिस्टर राज आप यहां? जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता मुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ कहा है इन्होंने? अभी पूछताछ शुरू करनी है। क्या है मिस्टर राज, असली मुजरिम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है, और जहां तक मेरा ख्याल है इन्हें अंदर ले जाओ। जहां तक मेरा ख्याल है ये लोग शतरंज के प्यादे हैं, असली राजा तो कोई और ही है। एक्सक्यूज मी। अरे यार इतना उदास क्यों है तू यार? हम लोग है ना, हम लोग सब आपके दोस्त हैं। अरे कुछ याद है ना हम लोग? सर भूल गए ना, हमने तुम्हारे लिए आज तुम्हारे मन पसंद खाना बनाया। माँ हम सोच रहे थे हम लोग मूवी के लिए जाएं। ये बहुत अच्छा सोचा आपा। तुम तीनों बच्चे जाओ कहीं घूम के आओ। हाँ बेटा तुम बच्चे लोग सिनेमा भी देखा और फिर कुछ खा भी लेना रात को बाहर। हाँ हम खाएंगे और वो वाली मूवी देखेंगे जो लेटेस्ट आई है ना 3D चश्मों वाली, वो भैया वो देखेंगे। मुझे नहीं मालूम साहब। बता किसने किया? बताता साहब, ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था साहब। किसकी मर्जी से किया? मुझे इस काम के लिए पैसे मिले थे साहब। किसने पैसे दिए तुझे? फोन पे बात होती थी साहब। फोन नंबर? मुंबई का लैंडलाइन नंबर था साहब। लैंडलाइन नंबर था साहब। अरे कंट्रोल से मिस्टर करण, अब ये बात हमें मिस्टर विमल से पूछनी होगी। प्लीज कम डाउन। कुछ नहीं होने दूंगा भैया आपको, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। दीदी आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खाओ खाओ मेरा बच्चा। लता बेटा तुम्हारी खुशी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मैं पूर्ण है बेटा। तुम अगर इस तरह दुखी रहोगी तो तुम्हारी मां तुम्हारे पिताजी तो और भी दुखी हो जाएंगे ना बेटा। लता हमारी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें ये सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। हम तुम्हें इस तरह से हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकते। लो बेटा मुंह खोलो। मेरी बैठ कर जिंदगी भर मेरी छत पे घूम गई। दीदी
दीदी कहाँ गई? दीदी, 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 माँ, माँ, उठिए माँ, माँ उठिए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? उठिए माँ, दादा को दीदी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही मतलब? नहीं मिल रही, जल्दी आइए प्लीज। नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या चली गई मतलब? क्या बाहर देखा तुमको? हाँ भा। हाँ करण, करण लता दीदी घर में नहीं है और हम नहीं जानते वो कहाँ है। चली गई, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कंफर्म हो गया है कि इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप। छोड़ी हुई स्त्री को सोना शिकार कर लेगी, सोना शिकार कर लेगी, सोना शिकार कर लेगी। यही बैठकर जिंदगी भर मुझे ऐसा लगता है कि भर मेरे छाप आप लोगों की जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है। रेप हो गया, इनका रेप हो गया, सोना शिकार कर लेगी। किस समय में तो सब साथ खड़े रहते हैं। रेप हो गया, इनका रेप, सोना शिकार कर लेगी, सोना शिकार कर लेगी, सोना शिकार कर लेगी, सोना शिकार कर लेगी। इनका रेप हो गया, इनका रेप हो गया, इनका रेप, इनका रेप। बेटी का कितने सपने संजोए थे हमने तुम्हारी शादी के। दीदी हम सिर्फ आपको खुश देखना चाहते हैं बस। दीदी हम सबको आपकी जरूरत है, हम इस तरह आपको हार नहीं मानने देंगे। कौन करेगा इस लड़की से शादी? अब तो इसे जिंदगी भर घर में बिठाकर खिलाना पड़ेगा। मेरे पास मत आना करण, मुझे रोकना मत। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सबकी भलाई के लिए कर रही हूं। नहीं, नहीं दीदी ऐसा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। मत रोकिए इन्हें, ये जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ इससे बेहतर रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता। ना रहेगी इनकी जिंदगी और ना रहेगी परेशानी, और कम से कम इनके खुदकुशी करने से ये उस जिल्लत से तो मुक्त हो जाए, और ऊपर से इनके परिवार वालों की सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्यों लता जी, सही कह रहा हूं ना मैं? इसीलिए खुदकुशी कर रही थी ना आप तो ठाकुरों के खानदान से ना, एक ऐसी कौम जिसके ना सिर्फ बेटे पर बेटियों की भी मिसाल दी जाती है अपने साहस के लिए, तो फिर आप कैसे हार मान गए? कैसे मान सकती है आप हार? हाँ और आपको क्या लगा
आपके माँ बाप आपको खोकर खुश रहेंगे? कभी नहीं। और अगर इस समाज को देखकर आप ये कदम उठाने जा रही थी तो एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पिछले बहुत दिनों से महसूस किया है ये मैंने, बहुत ही खुशनसीब हैं आप जो आपको ऐसा परिवार मिला है, ऐसे प्रोटेक्टिव माँ बाप, इतने प्यार और केयर करने वाले भाई बहन। आपकी लड़ाई अब उनकी लड़ाई बन चुकी है और आप उन्हें इस लड़ाई में अकेला छोड़कर जा रही थी। लता जी, इस वक्त आपके परिवार वालों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको संभालना है उन्हें। अगर आप में जिंदगी जीने की चाहत जागेगी, अगर आप बीती बातों को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी तो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ उन लोगों को होगी। तैयार नहीं हुई, मंदिर चलना है ना? मेरा मन नहीं है दीदी। इतने सालों से ऐसा कोई सुनवा नहीं, जब आप मंदिर ना गए हो तो फिर आज क्यों? और हम भी तो है ना आपके साथ दीदी। देखिए, अगर इस हादसे के बाद बाहर चलने में संकोच करी है तो ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था, पर इसकी वजह से अब जीने का तरीका तो नहीं बदल सकती ना। आपको चलना ही होगा, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे दीदी। प्लीज, आपको चलना ही होगा, प्लीज। चली सुबह सुबह? अरे जाने देना, क्यों छेड़ रहे बेचारियों को? यार क्या फर्क पड़ता है यार, जिनकी इज्जत पहले से। बकवास बंद करो। अब इज्जत इस शब्द का मतलब भी समझते हैं? खुद तो शरीफ घर की लड़कियों को छेड़ रहे हैं और इज्जत की बात कर रहे हैं। इज्जत इज्जत होती तो अपने साथ कुछ होने देती, जरूर इसी ने कुछ। संभाल के पास। अरे क्यों मार रहा है भाई साहब? अबे है कौन तू? अबे हाथ कैसे लगाया? लड़की छेड़ता है तू? अबे तेरे को प्रॉब्लम क्या है? अगर इनके बारे में एक लफ्ज भी निकाला ना तो इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा, समझे? माफी मांग। माफ कर दो मुझे। अरे क्या हुआ, क्यों लफड़ा कर रहे हो आपस में? आइए हवलदार साहब, ये लड़की छेड़ रहे थे, समझा दिया मैंने। मैंने नहीं छेड़ा। अरे अब क्या हुआ? माँ मंदिर से लौटते समय देव जी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देव बेटा। समझ में नहीं आ रहा इसे इत्तेफाक कहें या ईश्वर की मर्जी, मुश्किल घड़ी में आप फरिश्ता बनकर आए हैं लता के लिए। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। देव जी, आज तो हम आपको चाय पिए बिना जाने ही नहीं देंगे। माँ प्लीज कहिए इनसे, आइए आइए। कहाँ है
कहाँ है वो कलंकिनी? जिसकी वजह से पुलिस हमारे बच्चों को पकड़ कर लेकर गई? आप इस तरह से हमारे घर में कैसे घुस आई? ये क्या तरीका है बात करने का? तरीका? तरीका हमें मत सिखाइए। घर से बाहर जाकर नौकरी करके हमारे बहु बेटियों का दिमाग खराब करके रख दिया है। ऊपर से ऐसा गुल खिलाया है कि पूरा मोहल्ला बदनाम हो गया। खबरदार, जो हमारी बेटियों के खिलाफ कुछ कहा तो। समाज में इज्जत बनती है आपके अच्छे आचार विचार, आपके अच्छे कर्मों से, और इस लिहाज से इस परिवार की और लता जी की बहुत ज्यादा इज्जत है। आप क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं लता की? क्या लगती है वो आपकी? आपके इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी आप सुनिए, लता जी से मेरा वही रिश्ता है जो समाज में किसी भी दो लोगों का हो सकता है। सुख दुख का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे किसी भी रिश्ते के बारे में मालूम होगा। एक मेहरबानी कीजिए, लता जी को अपनी जिंदगी जीने दीजिए प्लीज। सजा उनके गुनहगारों को मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं। लेकिन इस समाज में हमेशा सजा उस लड़की को मिलती है जिसने जुल्म सहे। समाज तो ऐसा ही है देव बाबू, यहाँ हर कदम पर लड़की को ही सहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं तलाकशुदा लड़की की फिर से शादी होना कितना कठिन होता है? कौन करेगा इससे शादी? क्यों कोई नहीं करेगा शादी लता जी से? क्या कमी है उनमें? उनमें वो सारे गुण हैं जो एक इंसान अपने जीवन साथी में ढूंढता है। उनकी आंखों में सच्चाई है, उनके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी है। और मैं तो कहता हूँ कि जो भी इंसान लता जी के साथ शादी करेगा वो बहुत ही खुशनसीब होगा। अरे छोड़िए देव बाबू, ये बातें सिर्फ सुनाने के लिए अच्छी होती है, मगर जिस पर आन पड़ती है ना, वो ऐसी लड़की का हाथ थामने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आप बताइए क्या आप करेंगे लता से शादी? आप थामेंगे लता का हाथ? हाँ? क्यों? जवाब दीजिए, बोलिए ना। तुम्हें लेने आई हूँ बेटा, ऐसे में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिस घर का एक बेटा दो दो शादियां करके बैठा हो और दूसरे पर ऐसे गिरी हुई हरकत करने का इल्जाम हो, ऐसे घर में अपने बच्चे को जन्म देना ठीक नहीं है बेटा। कैसे संस्कार होंगे बच्चे पर? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बेटी को हमेशा हमने अपनी अपनी बेटी की तरह रखा है। देखिए मेरा बेटा बेकसूर है, बहुत जल्द सच्चाई सामने आ जाएगी। जब साबित होगा तब देखेंगे वकील साहब, क्या सोचकर हमने इस घर में अपनी बेटी ब्याही थी और कैसा निकला आपका परिवार। माफ कीजिए आंटी जी, पूरे वक्त में परायों से नहीं अपनों से विश्वास की उम्मीद की जाती है। और क्या एक गलत फहमी की वजह से आपका अपनी बेटी के ससुराल वालों पर से भरोसा उठ जाएगा? भाभी प्लीज प्लीज आप रोइए मत, मेरी माँ ने जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान मत दीजिए, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अभी मैं जानती हूँ विमल भैया बेकसूर है, इस दिन अपने माँ के साथ घर नहीं गई। अभी इस वक्त आपको होश से काम लेना चाहिए, विमल भैया का ऐसे झूठे इल्जाम में फंस जाना इत्तेफाक की बात तो नहीं हो सकती ना, जरूर इसमें किसी की साजिश है। प्रियंका प्लीज, मैं हाथ छोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। भाभी अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगी तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और अगर विमल भैया बेकसूर है तो फिर लता ने उन्हें झूठे इल्जाम में क्यों फंसाया? और ये खुद वो अकेले तो नहीं कर सकती ना भाभी। भाभी आभा ने आपके साथ हमदर्दी का सिर्फ नाटक किया है,
उसने आपको इस घर में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो आपसे बदला ले सके। अच्छी बनकर उसने आपके पीठ में छुरा घोंपा है, अपने बहन के साथ मिलकर विमल भैया पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपको पता है ना भाभी, ऐसे गुनाहों की सजा क्या होती है? 7 साल। ज्यादा स्मार्ट मत रहो प्रियंका, मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये बकवास जो है ना, वो मेरे दिमाग में भरना बंद करो। भाभी, विमल भैया को सजा तो होगी ही, उम्र भर के लिए दाग लगेगा वो अलग, फिर क्या फ्यूचर होगा आपका और आपकी बेटी का? आभा की बहन ने पूरे प्रसाद खानदान पर कालिक पोत दी है। भाभी, लता ने ऐसा बयान दिया है कि विमल भैया को कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत सोची समझी साजिश है इस घर पे राज करने की। वीर तो भगवान की गाय है, विमल भैया को भी रास्ते से हटा दिया, इन दोनों के ना होने का किसको फायदा हो सकता है? अरे लता बेटा, बहुत अच्छा लड़का चुना है तुमने। हाँ दीदी, मैं तो कहती हूँ इतना अच्छा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलता। इससे पहले कि वो पलट जाए, जल्दी से हाँ कर दीजिए, है ना? लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। शांत हो जाइए भाभी, ऐसे किससे शादी करें हम? उस लड़के के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं। हम माना कि वो भला लड़का है, लेकिन उसका खानदान क्या है, कहाँ रहता है, कहाँ है उसका घर, उसके घर में कौन लोग रहते हैं, कुछ भी पता नहीं। लता की जिंदगी का सवाल है। अभी भी आपको घर देखना है? दीदी, इतना सब कुछ होने के बाद तो लता को किसी महिला आश्रम में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर आपको लता की शादी नहीं करनी है ना, तो उसे किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दीजिए। हाँ, अगर फिर से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो पुलिस का फंदा हमारे गले में पड़ जाएगा। हाँ। नहीं मामी जी, अब ना मैं खुदकुशी करूंगी और ना ही कहीं जाऊंगी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। आभा, आभा के साथ मिलकर, और मुझे पूरा यकीन है कि गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। मेरी बहन मेरे साथ है, है ना आभा? एक मिनट, इसका मतलब मेरे भाई के खिलाफ साजिश अब तुम दोनों मिलकर रचोगे? कनिका जी, आपके भाई ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं। और हमें अपनी आभा पर पूरा भरोसा है। आभा ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, और इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि वो अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर रहेगी। ना आभा, पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।